नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल चैनल पे। आज हमारा एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग का तीसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, और अलाइनमेंट क्या होता है, और जस्टिफाई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर से। तो यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर को समझने के लिए यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ पैराग्राफ मैंने टाइप कर रखा है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें इस सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से इसे इसके फॉन्ट कलर को चेंज करेंगे और यहाँ से हम इसे अंडरलाइन भी कर देंगे और इटैलिक करने के साथ साथ हम इसे हाईलाइट भी कर देंगे। तो ये सारी फॉर्मेटिंग हमने इस सेंटेंस पे की, ठीक। अगर मान लीजिए यही सेम फॉर्मेटिंग आपको इस सेंटेंस पे भी करना पड़े तो आप क्या करोगे। उसे करने के लिए आप सेम पहले आप इस पर क्लिक करोगे, फॉन्ट कलर को पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप अंडरलाइन पे सिलेक्ट करोगे, फिर इटैलिक ऑप्शन को चूज़ करोगे, फिर आप हाईलाइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग काम है, जिससे क्या होगी आपकी टाइपिंग स्लो हो जाएगी। उसी कमी को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक फॉर्मेट प्रिंटर का एक ऑप्शन दिया है। इससे क्या होगा, मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग आपने इस पर अप्लाई की, ये सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी और आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, तो मान लीजिए यही सेम फॉर्मेटिंग अगर इसके ऊपर अप्लाई करना, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करोगे, ठीक है। और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने के बाद आप इस सेंटेंस को पूरा सिलेक्ट करोगे और फिर से छोड़ दोगे। देखिए हमारा ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया और एज इट इज़ फॉर्मेटिंग कॉपी होके इस पर आ गया। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करने के बाद जो हमने ऊपर फॉर्मेटिंग कर रखी थी, वही सेम फॉर्मेटिंग हमारे नीचे वाले सेंटेंस पे भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया और इसे करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। ये हो गया हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। अब आइए सीखते हैं कि बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसे सीखने के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ फ्रूट्स का नाम लिख रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नंबरिंग और बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ की लिस्ट तैयार करते हैं, तो हमने देखा होगा कि हम पॉइंट वाइज लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे हमें घर का कोई सामान लाना होता है, ठीक है, तो हम नंबर वाइज 1, 2, 3, 4 करके उसके आगे उसका नाम लिखते हैं कि कौन सी सामान लाना है। या फिर हमें अगर हमारे स्कूल में 10-12 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अगर उन सबका नाम लिखना हो तो नंबर वन पे कौन सा, तो उस पर हम नंबरिंग करके उसका नाम लिखते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। जब ऐसा कुछ हमें कुछ लिखना हो या फिर ऐसा कुछ हमें टाइप करना हो, तो हम वहाँ पे बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर इसके ऊपर आपको बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई करना, तो सबसे पहले आप इन तीनों को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बुलेट्स में जाओगे, ड्रॉप डाउन मेनू को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सर्कल है, ये सारे आपको यहाँ से जो भी बुलेट्स चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने इससे सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए इसके जगह आपको नंबर देना है 1, 2, 3, तो आप यहाँ से इसे नंबरिंग भी दे सकते हो, ये वाले नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर ये ब्रैकेट वाले होंगे, फिर ए बी सी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका बुलेट्स और नंबरिंग। अब आते हैं अलाइनमेंट पे। मान लीजिए आपने कोई चीज़, मान लीजिए आप कोई ऐसे लिख रहे हो या फिर कोई सब्जेक्ट टाइप कर रहे हो, तो जो हेडिंग होगी वो आपकी हमेशा सेंटर में होगी। तो मान लीजिए इसे सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप जाओगे, ये जो मिडल बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा सेंटर, तो इसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपकी हेडिंग है ये सेंटर में चली जाएगी, और इधर क्लिक करोगे इस पर तो ये हो जाएगी राइट, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है, सेंटर, राइट और लेफ्ट। ये हो गया आपका बुलेट्स और नंबरिंग का कैसे इस्तेमाल करना है। अब आइए जानते हैं कि जस्टिफाई ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी आप हाई अथॉरिटी को कोई लेटर लिखते हो, किसी अफसर या किसी एम्प्लॉय को, तो उसकी
फॉर्मेटिंग होती है, लिखने का एक लहजा होता है, लिखने का एक तरीका होता है, ताकि देखने वाले को भी लगे यहाँ किसी ये प्रोफेशनल बंदे ने टाइप किया। अब यहाँ पर कुछ इस तरह की टाइपिंग हो रखी है, आप ये देख रहे हैं ये वन यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर ये बिजनेस यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, ठीक है। मतलब ये तिरछी उछी मतलब टेढ़ी मेढ़ी कुछ दिखाई दे रही है, इसको हमें क्या करना है जस्टिफाई। जैसे यहाँ पे एक बराबर दिख रहा ना, यहाँ पे सारी चीज़ें एक बराबर, ठीक है, कोई आगे पीछे सेंटेंस इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले हम इन सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये सारे एक लेबल में आ गए, जैसे यहाँ पे एक लेबल में दिखाई दे रहे थे ना, तो ये भी ये सारे एक लेबल में आ गए। तो यहाँ से आप इसे जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा कि हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बुलेट से नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, अलाइनमेंट का इस्तेमाल कैसे करना और जस्टिफाई का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब सीखने के बाद आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।